नमस्कार दुनिया वालों, आज 10 तारीख हो गई है, 10 दिसंबर 2021, और टाइम क्या हो रहा है जी दिनेश जी? 8:30 हो रहे हैं जी। टॉपिक ये है कि जो ये रेट बढ़ रहे हैं, 40 से 60 हज़ार चला गया, 61-62 क्या जानून है। अभी ये देखिए, ये शहर है अभी ऐसे लग रहा है बिल्कुल मारामारी हो गई हो, सुनसान देख लीजिए, एक दो गाड़ी आ रही है इक्का दुक्का। और अभी हम बिल्कुल VIP एरिया बिल्डर स्टेट में खड़े हैं, मेरे सामने इंडियन फॉरेस्ट जो फॉरेन डिपार्टमेंट के बंदे उनकी सोसाइटी है, सामने NTPC है, नेशनल कमांडो फोर्स है, बस शांति है। अब ये शहर कोई ऐसे थोड़ी चलता है। अब इस बार दिल्ली प्रीत विहार, निर्माण विहार, अब इस टाइम जाओ तो घड़ी पे टाइम दिखा दो लोगों को, घड़ी है हाथ करो आगे, फ़ोन पे दिखा दो, 8:30 का टाइम है, 8:31। तो 8:31 तो दिल्ली अभी ऑन हुई है, लोग 12 बजे तक पार्टियाँ करेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो ये होता है शहर की निशानी कि शहर आबाद है या बर्बाद है, या कुत्ते घूम रहे हैं, देखो कुत्ते हैं, लैला कुत्ता, मजनू कुत्ता, बस ठीक है ना। तो रेट कैसे बढ़ेंगे बताइए, बिजनेसमैन नहीं आ रहे। अब मान लो दो फैक्ट्रियां आ गई, मान लो कौन सी आ गई, या फ़ोन वाली दो कंपनियां आ गई, चाइना वाली, सैमसंग आ गई, अब उससे थोड़ी ओप्पो आ गई, उससे क्या हो जाएगा दो कंपनी आने से। अब दिल्ली विश्वास नगर चले जाओ, गली गली में तार बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। दिल्ली में हर एक रेजिडेंशियल के साथ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, पड़पड़गंज हुआ, बवाना हुआ, मतलब कि ऐसी कौन सी जगह, ओखला हुआ, दिल्ली कम है इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है जो दिल्ली को गति देते हैं और पैसा देते हैं। तो ये सारा एक फेक प्राइस है, क्योंकि शहर में अगर आप ग्रेटर नोएडा में सर्दियों में 10 बजे घूमो तो बिल्कुल सुनसान मिलेगा आपको। जगत फार्म में 2-4 लोग मिल जाएंगे, या ग्रेटर नोएडा में ग्रीन मार्केट है वहाँ 2-4 लोग मिल जाएंगे, एक जगह रामपुर जागीर वहाँ 2-4 लोग मिल जाएंगे, अल्फा कमर्शियल बेल्ट में दारू पीने वाले भटकते हुए मिल जाएंगे आपको, और पूरा शहर में साएं साएं होती है। ये देखिए बिल्कुल मैं खड़ा हूँ चौक के अंदर, ठीक है जी। यहाँ तो ओला उबर वाले भी नहीं खड़े होते कि सवारी मिल जाए, कोई ओला उबर वाला नहीं है बड़ी सोसाइटी के आगे। तो ये शहर का माहौल है। अगर आपको लालच आ रहा है कि आज ले लो फिर 1,00,000 रुपये का हो जाएगा, तो कुछ नहीं होना है, ये करेक्शन आनी ही आनी है। जो 60-62-65 हज़ार मीटर माल चल रहा है, ये 40 आना ही आना है। अभी सिर्फ सेलर कोई नहीं है, फाइनेंसर हैं जो रेट को अपने आप ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे एक बार कहानी थी कि एक मूंगफली वाले और अंडे वाले की रेडी थी, तो आपस में माल बेच बेच के रेट बढ़ा रहे थे कि भाई तेरा अंडा कितने का, 10 का, तेरी मूंगफली 100 रुपये, कहता चल 200 रुपये करता हूँ, मेरा अंडा 20 का। आपस में रेट बढ़ा के एक दूसरे को माल बेच रहे हैं। तो यहाँ वही काम चल रहा है, एक्चुअल में कोई नहीं है। जब तक यहाँ बिजनेस नहीं आएगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पे सुनसान रहेगी। दिमाग लगा लो, देखिए गाय माता घूमेंगी यहाँ पे, गाय माता घूम रही है, देख गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। तो दुनिया वालों अपने दिमाग का उपयोग करो, और उसके बाद फिर सही डिसीजन लो। सुबह आओ 6 बजे, देखो शहर की क्या गति है, दोपहर के 2 बजे शहर में घूमो, 10 बजे घूमो, फिर आपको अगर लग रहा है कि दम है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो, नहीं तो कच्चा लालच मत करो। अभी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे फ़ोन कर सकते हो 9873708642, मुझे मेल कर सकते हो CA शशि2010@gmail.com। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।